बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मैं हूँ आपकी मेज़बान बहविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। सुबह का आगाज़ करें, खूबसूरत अंदाज में करें, पॉजिटिव थाट्स के साथ करें, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करें, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो खूबसूरत रहे। आजकल मौसम बहुत गर्म है, तो आपने ख़ुद को ठंडा रखना है, कूल रखना है। बिल्कुल भी आपने जो है वो गुस्से का मुजाहरा नहीं करना, एग्रेसिव नहीं होना, अदम बर्दाश्त का मुजाहरा आपने नहीं करना। कूल रहते हुए, ठंडे मिजाज के साथ, ठंडी सोच के साथ और मुस्कुराते हुए फेस के साथ आप रहें, ताकि दिन की पूरी रूटीन आपकी अच्छी गुजरे। इसके साथ साथ आपकी सेहत का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, आपका खूबसूरत होना बड़ा ज़रूरी है। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आपके खूबसूरती को बरकरार रखना बड़ा मैटर करता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं, स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करूं, जो कि आज के हमारे टॉपिक्स भी होंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। ख़वातीन अपना बड़ा ख्याल रखती हैं। एक कहावत या बात उनके मुतालिक की जाती है ना, कि उन्होंने अगर सब्ज़ी भी ख़रीदनी हो, मोहल्ले में मार्केट भी जाना हो, तो वो मेकअप करके जाती हैं, जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक सच भी है। अदरवाइज़ वो मास्क लगा लेंगी, यानी कि फेस छुपा लेंगी, इस तरह ओपनली कभी वो बाहर नहीं जाएंगी। तो जब मेकअप की बात आती है और इस वक्त हम मौसम देखते हैं, वेदर देखते हैं, जो कि बहुत गर्म है, तो इसमें मेकअप किस तरह का होना चाहिए, चाहे वो मार्केट जा रही हैं, ऑफ़िस जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, या दिगर जो तकरीबात हैं, इवेंट्स हैं, शादी ब्याह की बात करें, या फिर अब ईद की आमद है, कुछ ही दिनों बाद ईद है, तो इस मौसम में मेकअप का इंतखाब कैसा होना चाहिए, या इस गर्मी में हम जो मेकअप करते हैं उससे जो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ताकि मेकअप भी किया जाए, क्योंकि ख्वातीन मेकअप के बगैर कभी नहीं रहती। जहाँ ख्वातीन की बात करते वहाँ तो आजकल मर्द हजरात भी पीछे हमें दिखाई नहीं देते, उन्होंने भी हल्का फुल्का मेकअप ज़रूर करना होता है। भाई करें, ज़रूर करें, क्योंकि खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक है, जो कि हम चाहेंगे कि आप खूबसूरत लगे। इसीलिए ये खूबसूरत से टॉपिक्स आप लोगों के लिए रखे जाते हैं, ताकि आपको वक्तन फवक्तन हम आगाह करते रहें, अवेयर करते रहें कि कैसे आप खुद को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें, चाहे वो मेकओवर के हवाले से हो, चाहे वो आपकी सेहत के हवाले से, डाइट के हवाले से, और कोई भी चीज़ हो जो कि आपको नुकसान दे सके, तो उससे हम आपको अवेयर करते हैं, आपको दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो आज ये मौसम गर्मा के हवाले से, मौसम जो इस वक्त है उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेकअप पे हम डिस्कशन करेंगे। मेकअप कैसा हो, किस इवेंट पे, किस त्यौहार पे हमें किस तरह का मेकअप कैरी करना चाहिए, और मेकअप के थ्रू कैसे अपनी पर्सनालिटी को हम और ख़ूबसूरत बना सकते हैं और अपनी शख्सियत को चार चांद लगा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर हमें गाइड करने के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, मल्टी टैलेंटेड खातून है, माशाल्लाह से राइटर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, अगर मैं ये कहूँ कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे मेडल से आपको नवाजा भी गया है, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं आप। अलमास अख्तर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अलमास। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह एवरग्रीन। अलमास, मौसम इस वक्त बहुत गर्म हो चुका है, और जहाँ हम ख़वातीन की खूबसूरती की बात करते हैं तो मेकअप फर्स्ट है उनके लिए। मेकअप के बगैर तो मेरे ख्याल से उनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आजकल हमने रूटीन बना रखी है। तो इस मौसम में हमें कैसा मेकअप, अगर कैजुअली मैं बात करूं, किसी त्यौहार से हटके, इवेंट से हटके, जो वर्किंग लेडीज, तो किस तरह का मेकअप होना चाहिए होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब मेकअप की सिलेक्शन करते हैं तो आपकी अपनी स्किन को जरूर चेक करें कि आया वो नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप उसका एनालिसिस करें, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। दूसरा, इस मौसम में कभी भी ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ अच्छा। नहीं करना चाहिए, हाँ। मॉइस्चराइज बेस्ड यूज़ करना चाहिए, और फाउंडेशन बहुत थिक जो हैवी कवरेज देती है वो आपने यूज़ नहीं करनी। बीबी क्रीम टाइप आपने यूज़ करना है, और प्राइमर यूज़ नहीं करना। अच्छा, यानी इस मौसम में प्राइमर यूज़ ना करें, मोस्टली लोग करते हैं, तो इसका इससे प्राइमर क्या होता? आप जब कोई ऐसा इवेंट हो, जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं, मुन्नी में जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपकी स्किन ड्राई है, तो आप प्राइमर यूज़ करें। प्राइमर हर वक्त यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता, और स्पेशली इस मौसम में तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। बिल्कुल, वो आपकी स्किन को ज्यादा ऑयली और मॉइस्चर दिखाएगा ना, मतलब आपको थोड़ा सा मैट लुक में रहना चाहिए। यानी कि जो हम बात करते हैं इस मौसम के, स्पेशली के बेस हमारी स्टे नहीं कर रही है, हाँ, वो प्राइमर की वजह से नहीं करती? नहीं नहीं, प्राइमर रीजन हाँ, नहीं होता, बट ऑयली हो जाती है, कोटिंग जरूरी नहीं है। मतलब आप सिंगल एक बीबी क्रीम लें, और आप कोई, अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई सन ब्लॉक अगर आप यूज कर रहे हैं,
तो आप एक बीबी क्रीम लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लें, उसकी बहुत लाइट कवरेज होती है, आपको एक फ्रेश लुक भी दे देता है। और अगर आपने प्राइमर यूज़ करना है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा, तो फिर आप वाटर बेस यानी मॉइस्चराइज़र टाइप लें, ताकि वो आपके स्किन पे सिर्फ आपको फील हो कि मेरी स्किन थोड़ी मॉइस्चराइज हो गई है। अब ऑयल बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे मज़ीद आपको स्वेटिंग होगी और आपका फेस पैचेस पड़ जाएंगे ना आपकी स्किन पे। और ऐसे ही आपने बीबी क्रीम भी यूज़ करनी है जो स्टे करे, ऑयल फ्री होने चाहिए हो, वो स्टे करती क्योंकि है इस मौसम में तो वैसे ही ऑलरेडी इतना ऑयल निकल रहा होता है बिल्कुल। और वो ऐसी ना हो कि अगर आप बहुत गोरे नहीं हैं, थोड़े वीटिश कॉम्प्लेक्शन में हैं, तो आप थोड़ी फेयर सेलेक्ट कर लेंगे तो धूप में मज़ीद वो काली हो जाएगी। अच्छा। और डार्क दिखाएगी, फ्रेश दिखाएगी नहीं, तो इसलिए आपको बेज कलर में ही रहना चाहिए, जो आपका अपना कलर है उसी के मुताबिक, उसके मुताबिक आप थोड़ा उसको फ्रेश करें। और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हमारे एक है ना ये गोरा चिट्टा होने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन गोरा ज़रूर नज़र आए, लेकिन पहले देखें कि मेरी स्किन कैसी है, उसे एक टोन लाइटर ले लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, आपने देखो कल मस्त उन्हें शौक होता है हम वाइट नज़र आए, अगर वैसे कलर नहीं है तो मेकअप के थ्रू खुद को जो है ना वो ज़रा गोरा बना लें, लेकिन उन पर वो सफ़ेद रंग सूट नहीं कर रहा होता, जो उन पर अपना कुदरती नेचुरल जो उनकी रंगत है नेचुरल कलर को थोड़ा फ्रेश कर लें। लेकिन अगर उन्होंने गोरा बनना है तो वो भी बन सकती हैं, बट उसके लिए उन्हें कैमोफ्लाज अच्छा करना पड़ेगा, उन्हें डार्क टोन का एक कैमोफ्लाज अपने फेस पे एक उसकी ब्लेंडिंग के बाद आप फेयर टोन सेलेक्ट कर लें तो आप गोरे हो जाएंगे, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते स्किन पे, क्योंकि आपकी स्किन पे अगर आप डायरेक्ट करेंगे आपकी स्किन और वो बिल्कुल ऑपोजिट ऑक्सीजनाइज जब स्किन हो जाएगी तो आपकी डार्क होने लग जाएगी। ओ, यानी जब आप लाइट में जाएंगे तो वो उसका आपको फील होगा। पहले सबसे पहले जो आपकी स्किन का अगर कलर डार्क है तो अपनी स्किन के कलर के मुताबिक ब्राउन शेड की, या आपको अगर आप जैसे आपने देखा होगा थोड़ा सा उसमें येलो या ऑरेंज टोन आ रही होती है, वो कैमोफ्लाज आप कर लें। अच्छा। उसके बाद आप फिर मोस्टली ऑरेंज आई थिंक यूज ऑरेंज कर हैं, लेते हैं। हाँ जी, ऑरेंज भी कर सकते हैं, डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा येलो आ रहा होता है, तो आप वो टोन यूज करके उसके फेयर आप यूज करें तो आप बहुत अच्छा फेयर दिखते हैं। इस मौसम की बात करें हम, जिस तरह एक बेहतर प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं स्किन के लिए, आप कभी भी इसमें अगर आप इस मौसम में अगर आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करें, ज़्यादा देर फेस पे आप मेकअप रखे हुए हैं तो उसके क्या नुकसान, उसके नुकसान हो सकते हैं आपकी स्किन पे? ज़्यादा देर फेस पे मेकअप रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। अगर आप अच्छा सा क्लेंस करने के बाद आप अपनी फाउंडेशन का एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो, लेकिन आप जब उसको उतारें तो क्लिनजिंग करके उसको इसी तरह आप सो ना जाएं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है हम वर्किंग लेडीज़ के तकरीबन सुबह अगर हमारे 9 o'clock हम निकलते हैं तो 5 बजे तक हम वापस आते हैं तो वो ज़्यादा देरी होता है। बट अच्छा सा ब्लेंड करें उसको ताकि थोड़ी देर के 2 घंटे के बाद वो पैचेस ना पड़ जाएं। ब्लेंडिंग ज़रूर करें और बहुत लाइट कवरेज के साथ आप यूज़ करें और वो स्टे करेगा और आपको बुरा भी नहीं लगेगा, बल्कि टाइम के साथ साथ वो ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अच्छा, यानी वक्त के साथ वो सही स्टे कर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और अच्छे से वो नेचुरल एक लुक लगेगा। नेचुरल लुक लगती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के बाद वो ख़राब होने। आप कॉम्पैक्ट उस पर अच्छा यूज़ करें, अच्छा फाउंडेशन यूज़ करें फिर कॉम्पैक्ट, क्योंकि वो फिक्स कर देता है आपकी। और ये जो मोस्टली लूज पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो सही है या कॉम्पैक्ट पाउडर सही रहता है इस मौसम में? लूज पाउडर तो देखें, एक आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉम्पैक्ट उसके बाद लूज पाउडर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ही लूज पाउडर है तो आप उसको भी अच्छा सा ब्लेंड करके कॉम्पैक्ट की। इस मौसम में ज़्यादा आप कॉम्पैक्ट को प्रेफर करती हैं? कॉम्पैक्ट लूज अवॉइड करना चाहिए लूज पाउडर इस मौसम में। हाँ, थोड़ा सा ये स्वेटिंग से वो थोड़ा हो जाता है ना, मतलब थोड़ा उसे सेटल करना पड़ता है। बट अगर आप लूज पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी टेक्निक है कि आप ब्रश से पहले तो आप स्पॉन्ज से उसे लगाएं, फिर ब्रश से उसे डस्ट ऑफ कर दें तो वो ठीक हो जाता है, जितना स्किन को जरूरत है वो ले लेता है, बाकी डस्ट ऑफ हो जाता है, कुछ नहीं होता। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम मज़ीद आपसे जानेंगे कि जहाँ हम मेकअप की बात करते हैं और ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर मेकअप ना हो तो उसको किस तरह वो हमें ऑकवर्ड दिखा सकता है, ये कैसे ये बच्चों को हम अवेयर करें, खासकर इस आजकल के दौर में जो कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। ब्रेक के जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद ये मज़ीद चीज़ें आपसे जानेंगे। ईद भी आ रही है तो ईद के हवाले से कैसा मेकअप और कैसी चीज़ें होनी चाहिए नाज़रीन, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, मौसम के अकॉर्डिंग आपका मेकअप आपको खूबसूरत बनाना और कितना ज़रूरी है, नुकसान क्या है, उससे किस तरह खुद को बचाना है, उसी पे बात करें क्योंकि ईद की भी आमद है। अलमास हम बात कर रहे थे मेकअप से होने वाले नुकसान और इस वक्त मौसम भी गर्म है। बात मैंने की थी कि मेकअप के साथ साथ ड्रेसिंग सेंस भी बड़ा मैटर करता है। ड्रेस हमने बड़ा खूबसूरत पहना होता है लेकिन हमें मेकअप की अवेयरनेस नहीं होती कि हमें उसके साथ किस तरह का मेकअप रखना है, लाइट करना है, डार्क करना है, एक वो कैपेसिटी होती है आपके फेस की भी उसको एडजस्ट करने की। तो जब ये अवेयरनेस नहीं होती तो कैसे किस तरह ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत खूबसूरत बच्चियों का ड्रेस होगा, कैजुअल की बात करें या हैवी की बात करें किसी इवेंट पे, लेकिन मेकअप बिल्कुल टोटली चेंज उन्होंने किया हुआ होता है। अच्छा, ये अब ऐसा बहुत कम रह गया क्योंकि बच्चियों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, मीडिया ने उन्हें इतना ट्रेंड कर दिया है कि वो जब ड्रेस सेलेक्ट करती हैं तो पहले देखती हैं जाके कि हमें इसके साथ किस तरह की मेकअप करना है, लिपस्टिक कैसी लगानी है। लेकिन हाँ, ऐसा है, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हम ड्रेस क्या पहन रहे हैं और हमें मेकअप कैसा कैरी करना चाहिए। आमतौर पर होना ये चाहिए कि जैसे आपके ब्लू ड्रेस, ब्लू कलर में अगर आप जाते हैं या ब्लैक में जाते हैं, ग्रीन में जाते हैं और इस तरह का अगर आपने कलर पहना हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा न्यूड रखें अपनी लिपस्टिक को, थोड़ा पिंक और पीच में ही रहें, क्योंकि अगर आप इस पे मेरून या रेड कलर की लिपस्टिक तो वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्राइकिंग सा और अजीब सा फेस लगेगा। हाँ, आप अपनी आँखों को, अपनी आईज़ को थोड़ा प्रोमिनेंट कर सकती हैं। आप थोड़ा ब्लेंड लाइनर ब्लेंड करके उसके साथ थोड़ा ब्राउन के साथ उसकी ब्लेंडिंग कर दें और आईज़ को आप थोड़ा अच्छा इन्हेंस कर सकती हैं, बट लिपस्टिक और ब्लश ऑन की सिलेक्शन करते हुए बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये दो चीज़ें एकदम फेस पे प्रोमिनेंट हो जाती हैं। अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो आप ब्लश ऑन पिंक या पीच, ये दो ही डे एंड नाइट का डिफरेंट होता है। हाँ, डे एंड नाइट का डिफरेंट होता है। नाइट तो इवेंट की बात करते हैं, दूसरा इस मौसम के अकॉर्डिंग भी डे में और नाइट में डिफरेंट मेकअप है। अगर आप डे में कहीं जा रहे हैं ऑफिस में कहीं, तो आपको मेरे ख्याल में ब्लश ऑन की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। बहुत लाइट सा आप एक टिंट थोड़ी ब्लेंडिंग कर लें उससे टिंट के साथ, लेकिन लिपस्टिक को न्यूड ही रखें मॉर्निंग में, बहुत ही मॉर्निंग डे लाइट में, ड्रेस के अकॉर्डिंग ठीक है। जैसे पिंक में आ जाएं, पीच में आ जाएं, थोड़ी थोड़ी सी एक बहुत लाइट सा कलर होता है पिंक और मजिंडा सा मिक्स सा कलर होता है, ये शेड अच्छे लगते हैं और आपको एकदम लुक आपकी अच्छी आती है। और अगर आप नाइट पे जा रहे हैं थोड़ा आप उसको डार्क टोन में कर सकते हैं और ब्लश ऑन भी उसमें आप अपनी सिलेक्शन कर लें। कलर अगर आपने जैसे ये वाले कलर बताएं के साथ पिंक जाएगा, बाकी शेड अगर पहने हैं तो पीच जाएगा, अगर आपने वाइट ड्रेस पहना हुआ है तो उस पे आप बहुत खूबसूरत सा सेटल सा ब्राउन और पिंक कर सकते हैं मेकअप। और नाइट में डार्क कलर्स की ही डार्क कलर करते हैं तो उसमें आपका ये है कि चीक्स आपकी पिंक और पीच अच्छी लगती हैं, उसके साथ आप थोड़ा हाइलाइटर के साथ उसकी ब्लेंडिंग कर लें तो फेस की शेप भी देख लेंगे। अगर आपका बहुत स्क्वेयर है या बहुत ज़्यादा आपका हैवी फेस है तो आप उसको कंटूरिंग इस तरह से करें कि वो बिल्कुल लाइनें नजर ना आए, उसको भी थोड़ा ब्लेंड कर लें आप सेटल। लेकिन ये अवेयरनेस भी जहाँ हम बात करते हैं ना, हमें खुद होनी चाहिए। वहीं पे जब हम बात करते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट्स की या इस तरह के जो सैलॉन वाले हैं, उन्हें भी ये अवेयर होना बड़ा इस मामले में ज़रूरी, क्योंकि क्लाइंट उनके पास आता है। क्लाइंट को अगर नहीं अवेयरनेस नहीं पता या वो अपनी डिमांड रख रहा है वही सोशल मीडिया को देख के, मुझे इस तरह का भाई मेकअप चाहिए, मुझे इसी तरह का खूबसूरत बनाओ, अब उसका फेस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये गाइड करना आप लोगों का काम है। हम लोग गाइड हमें करना चाहिए, कुछ कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग रिजिड होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम ये देख के आए, हमें यही लुक चाहिए। अच्छा, मैं अब उन्हें ये भी देखना चाहिए ना, मौसम है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, आपके फीचर कैसे हैं, ड्रेसेस सेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग तमाम चीजें। लेकिन जैसे कि हम अगर मेकअप करते हैं तो हेयर स्टाइल भी बहुत मैटर करता है, पूरी लुक बदल जाती है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इतना कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है उसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा कर्ली और बहुत ज्यादा आपने हैवी और हाइट दे के बैककॉमिंग के साथ आपने हेयर स्टाइल बनाया तो उसमें भी आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते। बहुत सॉफ्ट सी ब्लो ड्राई के साथ, हल्की सी बैककॉमिंग के साथ अगर आप ओपन कर लें, बच्चियाँ अगर आप थोड़ी एज में हैं आफ्टर 45
तो थोड़ा आप कर्ल करके, थोड़ा पिन अप करके, पिन अप कर लें, खोल के आप अपना शौक भी पूरा कर लें, हाँ, कि खुले हैं फ्रंट से, थोड़ा आप वो सुलझे भी होंगे बाल, सुलझे हैं, हाँ, हाँ, आप भी सुलझे ही लगेंगे सुलझे लगेंगे, लेकिन हेयर स्टाइल के मेकअप जो है उस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन बहुत ब्लेंडेड होना चाहिए, अच्छे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं नजर आना चाहिए थोड़ी देर के बाद फाउंडेशन लगे कि आपकी फाउंडेशन फटने लग गई है या नजर आ रही है। इसकी वजह सही तरह से ब्लेंडिंग ना होना, ब्लेंडिंग वो ना ये होना है जो बेस, हम कहते हैं बहुत जरूरी है, जो बेस फटने लग जाती है, लाइनें पड़ना शुरू हो जाती है। कोई भी फाउंडेशन आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे अच्छा सा ब्लेंड करके आप उसको सेटल करते हैं तो वो आपकी फाउंडेशन फील नहीं होती कि आपने कुछ लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप लगा के थोड़ा सा ऐसे टैप करके छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद जाहिर है वो चूंकि ब्लेंड ही नहीं हुई, आपके पोर्स में पेनिट्रेट ही नहीं हुई भी, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो खराब होना शुरू हो, ऊपर नजर आएगी। ईद आने वाली है, सबने तैयार होना है, चाहे वो खवातीन जिन्होंने टीवी देखना है, वो खवातीन जिन्होंने आउटिंग के लिए जाना है, या वो खवातीन जिन्होंने किचन में वक्त गुजारना है, बहुत मजे का। तो जो भी औरत है तकरीबन सबने तैयार होना है, चाहे वो सारा दिन किचन में लगी रहे लेकिन उसने तैयार होना है। बिल्कुल। तो उन्हें किस तरह का, अगर मैं बात करूँ वो खवातीन जिन्होंने घर के काम संभालने हैं, किचन की जिम्मेदारी संभालनी है, उन्हें किस तरह का मेकअप आप रिकमेंड करेंगे, कैसा मेकअप करें ताकि देखें ना ईद का दिन है, ईद का मौका है, तो यकीनन वो भी चाहेंगे थोड़ा सा खूबसूरत दिखें। नहीं, ईद के लिए तो बहुत स्पेशल तैयारी, ज्वेलरी होती है, वो सब चीज़ें सिलेक्ट की हुई होती है, बच्चों ने क्या, इतनी गर्मी, बड़ों में भी क्या, लेकिन उन बेशक वो पहन नहीं पाते आमतौर पे, मैंने देखा कि जितनी तैयारी जरूरी है वो खरीदारी की हुई होती है, हाँ, लेकिन आमतौर पे शाम में ही मौका मिलता है तैयार होने का और कहीं जाने का, दिन में तो काम शाम होता है, खाना पकाना, बिल्कुल, लेकिन और ये ईद तो है ही किचन वाली लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेहंदी भी लगी हुई हो और चूड़ियां भी पहनी हुई हो और मैचिंग ज्वेलरी हो और मेकअप, वही मैं कहूंगी कि आप बच्चियां जो हैं बहुत सटल मेकअप करें, बहुत न्यूड में रहें और आईज को इतना ग्लैमरस करने की जरूरत ईद पे होती नहीं है, लाइनर, काजल, मस्कारा, ये क्योंकि शादी ब्याह का तो इवेंट है नहीं, जी बिल्कुल, ये दो तीन चीजें आपकी और मस्कारा और लाइनर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हल्का सा कोई वन शेड आप आईज पे लगा के, तो वो आप अपनी ड्रेस देख लीजिए, बिल्कुल बर्फ का गोला बनने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट शेड आपको ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो इस तरह का कि आप, हाँ, अगर आपने कहीं फैमिली में जाना है फिर थोड़ा सा आप अगर अपनी आईज को थोड़ा सा ग्लैमरस करना चाहते हो तो फिर आप ये कर लें कि लाइनर के साथ वो शेड ब्लेंड करके डेप्थ दे दें थोड़ी सी, तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जरा हट के होना चाहिए रूटीन में जो हम करते हैं, उससे आप अच्छे भी लग रहे हो, फ्रेश भी लग रहे हो और आप बहुत ओवर भी ना लग रहे हो, इस तरह का मेकअप ईद के दिनों में ही तो ठीक। अच्छा, ये तो हमने बच्चियों के हवाले से हमें गाइड किया, थोड़ी एज जो खवातीन है उन्हें किस तरह का ईद पे मेकअप कैरी करना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहती है कि थोड़ा सा खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने तो अपनी अम्मी को हमेशा तिब्बत क्रीम लगाते देखा लेकिन आजकल की माए तिब्बत नहीं लगाते, ये नहीं कहते हमें भी फाउंडेशन लगाएं, हमें भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, ब्लश लगाएं, बिल्कुल नहीं, लेकिन लेडीज को भी बहुत अच्छा सा एक अपना लुक रखना चाहिए, जहाँ हम तैयार होते हैं हमें चाहिए ना अपनी माओं को भी जरा खूबसूरत बनाए, बिल्कुल बनाना चाहिए उनके लिए भी। मेरा एक तो उनकी जो एजिंग स्किन है ना उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट फाउंडेशन, हाँ, एग्जैक्टली वो उनकी एजिंग स्किन होती है, वो अकॉर्डिंग नॉर्मल अपनी जैसे कि 35-40 तक की लेडीज की फाउंडेशन जो सिलेक्शन होती है वो नहीं कर सकते। अच्छा। उसमें मॉइस्चराइज्ड बेस होना चाहिए, ठीक है, क्रीमी बेस होना चाहिए और उसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, मतलब ऐसी फाउंडेशन जिसमें वो आपकी स्किन को, और हाइलुरोनिक उसमें ऐड होना चाहिए क्योंकि वो लिफ्ट कर देती है ना। अच्छा। एकदम आपकी स्किन को लिफ्ट कर देती है, तो वो आप फाउंडेशन की सिलेक्शन करें, और अगर गर्मियां हैं तो ऑयल बेस नहीं करना, आप जिस आप देखें कि अक्सर फाउंडेशन पे कलर स्टे लिखा हुआ होता है, वो हमारी एज के लोगों के लिए होती है ना, मतलब उसको आप लगाएंगे वो फील भी नहीं होगा कि हमने कुछ लगाया, लेकिन अगर आप आम फाउंडेशन जो बेटी लगा रही है वही लगा लेंगे तो पता चले, तो वो आपकी आईज की ये रिंकल्स की लाइंस भी प्रोमिनेंट हो जाएंगी और आपकी ये सारी लाइंस भी प्रोमिनेंट हो जाएंगी, तो लेकिन आपने उस पर देखना है एंटी एजिंग फाउंडेशंस हैं जो आपकी स्किन को लिफ्ट करती हैं, आपने वो अच्छे ब्रांड्स में ही हैं, ठीक है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं बट वो आपने सेलेक्ट करके रख लेनी है, फाउंडेशन बहुत अरसा तक चलती है ना, ठीक है, वो आप रख लें, हाँ, अगर और सिंगल यूज है तो वो तो अच्छा खासा टाइम जो है वो चल जाएंगे। तो पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? अगर मेरे प्रोफेशन के हवाले से मैं पैगाम दूंगी तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि ईद भी आ रही है ना, मौसम भी गर्म है, तो इसी हवाले से आपको टिप बता दें,
एक तो मैं बालों के हवाले से भी ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आजकल बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं पसीने के साथ, तो आप कोशिश करें कि आप अपने बालों को ऑयलिंग ज़रूर रोज़ करें, ठीक है, और इसके अलावा कोई बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग मास्क ज़रूर रख लें, कंडीशनर से अवॉइड करें, क्योंकि कंडीशनर ना करें मास्क ज़रा थोड़ी देर मॉइस्चराइज करें। मेकअप के हवाले से क्या टिप देंगे? मेकअप के हवाले से मैं यही, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो सिर्फ आप बहुत हैवी फाउंडेशन यूज़ ना करें, बीबी क्रीम और थोड़ी लाइट कवरेज वाली फाउंडेशन सेलेक्ट करें, आप खूबसूरत लगेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अलमास, थैंक यू सो मच आपने वक्त दिया। रोज़ा, ये मेकअप के हवाले से इसलिए बात की क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है, तो आपने मेकअप करना तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, लेकिन आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ईद आ रही है, ईद पर किस तरह का मेकअप और होना चाहिए ये आपको अवेयर करना बड़ा ज़रूरी था। ब्रेक की जानी पड़ना है, ब्रेक के बाद जहाँ मेकअप की बात करें वहीं पर साथ हम आपकी खूबसूरती को और इन्हेंस करने के लिए ड्रेसेस की भी बात करेंगे, सो उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सर सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेकअप की हमने बात की, मेकअप के साथ साथ लिबास का इंतखाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहां आप इतना खूबसूरत मेकअप करना जानते हैं, अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, उस मेकअप के साथ साथ आपको ड्रेसिंग सेंस कितना है, आप किस तरह से लिबास का इंतखाब करते हैं, और जब आप बात करते हैं कि हमने कोई ड्रेस परचेज़ कर लिया, हमने पहन लिया, हम उसमें कितना कम्फर्टेबल हैं और कितना उसमें हम खूबसूरत लग रहे हैं, अपने आप को कितना उसमें खूबसूरत महसूस कर रहे हैं, ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। और मोस्टली हमने देखा है कि हम ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ब्रांड को हम जो है वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अब हम पे वो खूबसूरत लग रहा है या नहीं लग रहा वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं, हमने तो एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है वही कैरी करना है, ब्रांड ड्रेसेस ही पहने, ब्रांडेड होने चाहिए भाई कपड़े, क्योंकि हमारा स्टेटस ऐसा है। तो इस स्टेटस के साथ साथ खूबसूरती को मेंटेन रखना और ये जानना कि जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ, क्या वो मेरे पे सूट कर रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, कलर स्टिचिंग जो मैं इंतखाब कर रहा हूँ, जिस तरह की स्टाइलिंग का, तो ये तमाम तर अवेयरनेस जो है ये इसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज इन्हीं चीज़ों पर हमें अवेयर करेंगी हमारी आज की ड्रेस डिज़ाइनर जो कि हमारे साथ हैं, मिस नहीद। अस्सलाम वालेकुम नहीद, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कलर वही जो कलर सिलेक्शन, आई वुड से सेम टू यू, यस एग्जैक्टली, क्योंकि आज मैंने भी आप ही का ड्रेस वेयर किया हुआ है, अवश्य की तरह बहुत ही खूबसूरत कलर। नहीं, लिबास के इंतखाब की जब हम बात करते हैं जी, हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक जो बीमारी मैं इसे कहूँगी, ब्रांड कॉन्शियस कि पहली जो बीमारी हमारे जहन में आती है, हमने ब्रांड फ्रॉम ब्रांड पे जाना है कपड़े खरीदने, अब उस पर अच्छी कलेक्शन है या नहीं है, कलर्स अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं, लेकिन हमने तो उसी ब्रांड के कपड़े पहने, क्योंकि वो मेरी जो खाला की बेटी थी, फूफो की बेटी, उसने भी उस ब्रांड के कपड़े लिए, तो ये जो चीज़ है ये हमारी पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस तरह से इफेक्ट कर रही है? देखिए, महवेश खूबसूरत लगना हर एक का हक है, बिल्कुल हम चाहते हैं, और लिबास का इंतखाब जो है वो भी क्योंकि मीडिया की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ड्रेस सेंस है, हर ख़वातीन जो है उनमें हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छा लगे, बेहतर लगे, दूसरों से भी बेहतर लगे, मुमताज नजर आए, दूसरे से बेहतर लगे, हाँ, ये मर्दों में कम, ख़वातीन जनरल साइकी ऑफ वुमेन, बट द थिंग इज के एक खास टिपिकल ब्रांड, अगर उसने इस ब्रांड का पहना है तो मैं भी पहनूँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि काफ़ी वाइड रेंज होती है ब्रांड्स पे, आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, कौन से कलर्स आपको जचते हैं, आपको कौन सा कट आप लाइक करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड से आप उठा सकते हैं चीज़, नो मैटर कि कौन सा ब्रांड है, उन्होंने जो पहना है आप भी वही पहनना चाहते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट इट, बिकॉज रेंज बहुत वाइड है। अगर ठीक है, इस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हमारे सामने जी जी, तो बेसिक जो चीज़ है जो लिबास के इंतखाब में हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि इन ये चीज़ें हैं, इनको आप माइंड में रखते हुए अपने लिबास का इंतखाब करें, वो कौन से होनी चाहिए? देखिए, ताकि जरा आसान हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए भी, नेक्स्ट अगर कोई खरीदो फरोख्त के लिए जा रहे, ईद आ रही है, कपड़े खरीदने हैं, चार्जर जोड़े बनाने हैं, सबसे पहले तो ये है कि लिबास का मकसद तो सतर पोशी है ना, कि आपको ढकता है लिबास, और खूबसूरत तरीके से आप अपना तन ज़ेब-ए-तन करते हैं तो आप और भी नुमाया और अच्छे लगते हैं,
तो और दूसरी बात यह है कि आपको ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि मौसम के लिहाज से होना चाहिए आपका लिबास। अभी जैसे गर्मी है, ईद की आमद आमद है, तो ज़्यादातर जो है ईजी ब्रीजी कपड़े जो हैं ख़वातीन उसको बहुत प्रेफर करती हैं, बिकॉज उन्होंने किचन में भी जाना है, उन्होंने सर्व भी करना है, उन्होंने गेस्ट को भी देखना है, उन्होंने बड़ी बड़ी दावतें जी निमटानी है, तो ख़वातीन पर बहुत बोझ भी होता है और वो बहुत बिजी उनकी लाइफ होती है, मौसम भी ऐसा है ना। जी बिल्कुल, तो उसके लिहाज से ज्यादातर तो प्रेफरेंस जो है वो लॉन है। अच्छा, क्योंकि इजी ब्रीजी होती है और लॉन का ये है कि बहुत ज्यादा वैरायटी है लॉन में भी, और आजकल ज्यादा फैशन लॉन्ग शर्ट्स का है, शॉर्ट भी चल रही हैं, और बहुत ज्यादा लेसेस के साथ स्टाइलिंग का बड़ा स्टाइल आ गया। जी लेसेस के साथ बहुत स्टाइलिंग की जाती है, ट्रेंड हो चुका है, लेकिन अब देखिए कितना इसका फिर से ट्रेंड। बिल्कुल, तो वो खूबसूरत लगते हैं, लेसेस के साथ एलिगेंट लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं ड्रेसेस। तो ख्वातीन प्रेफर करती हैं कि लाइट कलर्स हों और लेसेस के साथ उसको ज्यादा नुमायां कर लिया जाए, और लाइट सा मेकअप हो तो यू कैन क्या बात है, तो आपकी शख्सियत में और जो है वो चार चांद और आप जो है वो निखर के आ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो ख्वातीन जिन्हें अवेयरनेस नहीं है उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, वो अपने ड्रेस का कलर उसका इंतखाब नहीं करती हैं, जैसे आजकल का ट्रेंड है लेसिस के साथ ड्रेसेस का, लॉन्ग शर्ट्स का, उसको वो मद्देनज़र नहीं रखती हैं। थोड़ी हेल्दी होंगी लेकिन वो ये नहीं देखेंगी कि जो वो वेयर कर रही है, जो वो स्टिच करवा रही हैं, वो ड्रेस उन पे सूट नहीं करता। तो ये अवेयरनेस कैसे हम उन्हें दें? देखिए, क्योंकि आपने अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सामत को भी मद्देनजर रखना है, ये तो नहीं कि आप थोड़े से हेल्दी हैं और ड्रेसेस आप वेयर कर रहे हैं 16 साल की बच्ची की तरह। जी वो उसमें यही है कि आपको ज़रूर ये चीज़ देखनी चाहिए, बट कुछ ऐसे भी लोग स्टिल हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। बात करते हैं ना कि मेरे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी के थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस आई, वही अभी भी कुछ ऐसे लोग, ऐसी ख्वातीन हैं जिनके पास फोन तो मौजूद है, इंटरनेट का यूज भी करती हैं, लेकिन वो जो उनकी शख्सियत के अकॉर्डिंग उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ कि हमारे जो मार्केट्स हैं, हमारे जो ब्रांड्स के अलावा की बात करी, मार्केट्स में जो शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं, दे आर मोर अवेयर देन वेमेन, ओके, बिकॉज दे आर selling the products which are so much used in use of women, ठीक है, so they are more aware about these things के कौन से colors in हैं, कौन से cuts in हैं, तो यहाँ पे उनका role आ जाता है कि वो आपको guide करते हैं। जी, the women who don't have that much sense about how to wear a dress or what cuts they should use, तो वो बाकायदा आपको guide करते हैं, बाजी ये वाला अच्छा लगेगा, बाजी ये color आप पे अच्छा लगेगा, बाजी फलां बाजी ने ये पहना था, फलां बाजी ने बड़ा suit किया था, जी आप पे बड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल, तो वो अब आगे बाजी की मर्जी की वो खरीदती है कि नहीं, या फिर कहें नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो जो लगा हुआ ना वो निकाल के दे, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, बट सूनर और लेटर यू लर्न, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम यू डेफिनेटली लर्न द थिंग्स इसमें, और अवेयरनेस तो इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको खुद नहीं पता चलता तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है, सोशलाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको गाइड करने वाले भी मिल जाते हैं, आपको बताने वाले भी मिल जाते हैं, इधर दे आर योर रिलेटिव्स और योर फ्रेंड्स और योर सराउंडिंग पीपल। अब तो इतना आसान हो गया ना, हम सोशल मीडिया की बात करें, इसके थ्रू आप डिजाइनर को अप्रोच कर सकते हैं, आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, जस्ट अ कॉल अवे, यू कैन कॉल एंड नहीं आपकी खिदमत में हाजिर है, आप इनसे जाने, इतने खूबसूरत ड्रेसेस। अच्छा नहीं, आपके मैंने कलर सिलेक्शन देखी है, बड़ी कूल है, जैसे कि हमारे साथ सामने कुछ ड्रेसेस भी पड़े हुए, बड़े फ्रेश, बड़े कूल कलर हैं। जी, तो मैं आई ऑलवेज गो फॉर पेस्टल्स, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कूल कलर्स, और दे लुक मोर एलिगेंट ऑन यू, हालांकि डार्क कलर्स जो है, टोन्स जो विंटर्स में यूज होती है वो डार्क टोन्स यूज होती है, और डार्क टोन्स का एक अपना मजा है और लाइट टोन्स का एक अपना मजा है, जी मौसम के अकॉर्डिंग आप लाइट कलर्स पहनते हैं और वो आपको ज्यादा हीट एब्जॉर्बेंट नहीं होते, और सब विंटर्स में आप यूज करते हैं डार्क कलर्स। देखें आप तो वो पसंद की भी जरा बात आ जाती है, जिन्होंने बहुत गर्मी में ब्लैक कलर भी वेयर किया हुआ, ब्लैक इज ऑलवेज इन, उसमें हमें हम गर्मी को भूल जाते हैं भाई, गर्मी है या नहीं, क्योंकि पसंदीदा कलर है, वेदर इट्स एन इवेंट, वेदर इट्स अ वेडिंग, वेदर इट्स एनी फंक्शन, इफ यू हैव टू गो अबाउट द फैशन यू विल वेयर ब्लाइंडली द ब्लैक, ब्लैक इज ऑलवेज इन, ब्लैक एंड वाइट, दीज टू बेसिक कलर्स, एलिमेंट्री कलर्स विच आर वेरी वेरी मच इन, नो मैटर वॉट, उसमें उसमें बिल्कुल मौसम कोई
कोई अमल दखल मौसम का नहीं, कोई भी हो सकता है। अमल दखल के अलावा की बात मैं आपको बताऊं, मैं विश ब्लैक के साथ आपके आप बहुत एलिगेंट लगते हैं, आप स्लिम दिखते हैं, और अगर कट्स बहुत अच्छे हों तो फिर तो क्या ही बात है। और ब्लैक सूट्स मोस्ट ऑफ द स्किन टोन्स बेसिकली, सो पीपल मोस्टली लाइक इट। और उसमें फिर वेदर का आप भूल जाते हैं, क्योंकि जब फैशन की बात आती है, जब अच्छा लगने की बात आती है तो फिर तो आप छोड़े, फिर अगर ब्लैक अच्छा लग रहा है हाँ, को फिर अपनी जरा अपनी पर्सनालिटी को देखे कि आप किस में निखर के सामने आ रहे हैं, किस में आप ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये कलेक्शन आपकी ईद की है? जी बिल्कुल, ईद की कलेक्शन है, आपने बनाई है ये, यानी कि वही कूल कलर, फ्रेश कलर और बड़े डिसेंट आपके जो है। मैं आपको दिखाती हूँ ईद के लिहाज से, शिफॉन में है, ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड लाइट वेट टू वेयर, इट्स अ फोर पीस, वाकई ईद के लिए बड़ा खूबसूरत जो है वो ड्रेस है। और आप इसको बड़े आराम से पहन के घर के सारे काम भी कर सकती हैं विद अ लाइट मेकअप, किचन में भी जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है, किचन में जा सकते हैं, क्योंकि जो इनके साथ इनर्स यूज होते हैं वो काफी जो है वो वेट एब्जॉर्बेंट है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको कूल इफेक्ट देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि वो नरम स्टफ जो होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सॉफ्ट वाला। फिर इसी तरह से लाइट से कलर्स हैं जो कि आप ईद पे पहन सकते हैं विद लॉट ऑफ लेसेस, ब्यूटीफुली डन विद दैट, तो आप अच्छे लगते हैं। इसके साथ इजार पैंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मजे की लगती हैं, सो यू कैन ऑलवेज गो विद दीस कलर्स। वो हमें बिल्कुल झंझट नहीं होनी चाहिए कि ईद आ रही है भाई और ईद पे हमें अच्छे खासे हैवी कपड़े, फैंसी कपड़े पहनने, आप सिंपल लॉन्ग ड्रेसेस में इस तरह के इजी ब्रीजी पहन सकते हैं। कलर कितना खूबसूरत है, लाइट और कूल कलर्स हैं, एंड यू कैन गो विद वाइट ऑलवेज। इसके साथ यू कैन वेयर टाइट्स, यू कैन वेयर स्ट्रेट पैंट्स, यू कैन वेयर लूज ट्राउजर्स एंड व्हाटएवर यू वांट, जो आप जो आपको इजी, जिससे आप कंफर्टेबल हो, टाइट पहनना चाहे, ट्राउजर पहनना चाहे, बिल्कुल। और यू कैन गो विद एनी वाइट ट्राउजर, घर में पहन ले के, आपने बाहर जाना है रिश्तेदारों के यहाँ जाना है तो भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन मजीद भी आपसे जानते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जो है वो बाकी ड्रेसेस भी दिखाते हैं, मजीद भी नहीं से हम जानते हैं कि ईद आ रही है, ईद के हवाले से और कौन कौन से टिप्स जो हैं वो ड्रेसेस के हवाले से हमारे साथ शेयर करती हैं, तो ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, बात हम कर रहे हैं आज ड्रेसेस के हवाले से, आपकी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए, मौसम को देखते हुए, आगे ईद आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे आप खुद को खूबसूरत बना सकते हैं, लिबास का इंतखाब कैसा होना चाहिए और किस तरह से आपने जो पहना है, जो ज़ेब तन किया हुआ है, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह के ड्रेसेस का, जिस तरह के कलर्स का आपने इंतखाब कर रखा है, क्या आप श्योर हैं, क्या आप उसमें खूबसूरत लग रहे हैं, या जो आप पहनते हैं आप हमेशा उसमें खूबसूरत लगते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती जो है वो कम हो रही है, वजह क्या हो सकती है, इसी पे हम आपको गाइड करें। नहीद हमारे साथ है, नहीद ईद आगे आ रही है, आपने कुछ ड्रेसेस हमें दिखाए भी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलर्स, बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझी हुई स्टिचिंग जो कि हमें बहुत कम आजकल देखने को मिलती है, वही कॉपी पेस्ट चीज़ें चल रही हैं, एक दूसरे की जो है वो कॉपी हो रही है, लेकिन माशाल्लाह आपके डिज़ाइन वेरी नाइस। तो किस बच्चियों की, मैं बच्चियों से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बच्चियाँ बड़े शौक से शॉपिंग चांद रात के लिए और ईद के तीनों दिन की, फिर ईद के बाद ईद मिलन पार्टीज़ के लिए उन्होंने डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट उन्होंने जो है वो इंतखाब किया हुआ होता है लिबास का, उसमें कैसे इस मौसम में कैसे कलर्स जो है वो सेलेक्ट करें, ताकि वो क्योंकि बच्चियाँ हैं ना, तो उसमें जो एक कलर का इंतखाब ऐसा हो जिसमें वो एजड ना लगे। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि बच्चियां बहुत अवेयर हैं इस मामले में, दे आर मोर इनटू लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, दे आर मोर इनटू वाइट्स एंड ग्रेज एंड ब्लैक्स आल्सो, एंड उनको बड़े इजी गोइंग कपड़े चाहिए होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली दे गो फॉर द लॉन्ग शर्ट्स, बट शॉर्ट शर्ट्स एज वेल एंड कुर्ताज बहुत ज़्यादा इन हैं, कि बच्चियाँ जीन्स पे भी पहन लेती हैं, ट्राउजर्स के साथ भी पहन लेती हैं, और लाइट कलर्स जो हैं उनके ऑलवेज फेवरेट कलर्स हैं, कि जिनके साथ वो बड़ा आसान फील करती हैं इतनी स्कोचिंग हीट में। अभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको छुट्टियां हुई हैं, तो दे वांट टू बी वेरी इजी इन एवरी वे, चिल प्रोग्राम उनका स्टार्ट हो चुका है, तो ये ईद उनकी बड़ी चिल माहौल में गुजरने वाली है, कोई यूनिवर्सिटी के झंझट नहीं है, कोई असाइनमेंट्स की टेंशन नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बस उनको बहुत आसान वाले और अच्छे मॉडर्न कट्स के साथ उनको कपड़े चाहिए, बट जो कि बहुत इजी टू कैरी हो और वेरी वेल टू डू हो, सो दे गो फॉर ब्रांड्स एज वेल, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट ब्रांड्स,
सिलेक्शन, ये आपको पता हो कि आप ब्रांड से जो परचेज कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, बिल्कुल इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, वो तो फिर ये है ना कि आपको ब्रांड भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सा गाइड कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है। कस्टमाइजेशन की तरफ अगर जब आप जाते हैं तो वो तो फुली फिर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन जो आप मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे होते हैं वो भी इस चीज़ को मद्देनजर रख के मैसेज को, नॉट ओनली क्लासेस बट मैसेज को मद्देनजर रख के वो प्रोडक्ट्स दी जा रही होती हैं, कि उनको पता होता है कि ये कट्स जो हैं ये बहुत इन होंगे, ये पसंद किए जा रहे हैं, और बच्चियां जो है, यंग जनरेशन जो है, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, जो वो लाइक करेंगे, और इसी तरह से एज वाइज जो है वो कट्स और उनके लिए बेहतर हो सकते डिजाइन देते हैं। ठीक, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा एज की ख्वातीन की तरफ आ जाएं तो उनको किस तरह के कलर्स या किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो प्रेफर करती हैं? देखिए जैसे अमियाँ हैं और खालाएँ हैं फूफियाँ हैं, मॉडर्न तो वो भी दिखना चाहती हैं, वो ज़्यादा दिखना चाहती हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहती हैं, जी अच्छी तो वो भी दिखना चाहती हैं, और उसके लिए भी उनका यही है कि वो ज़्यादातर जो है फैब्रिक की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और प्लस उनको डिज़ाइन भी बड़े वेल टू डू चाहिए होते हैं, और मौसम के लिहाज से सिल्क्स बहुत ज़्यादा इन हैं ऐसी ख़वातीन में, शिफॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, जॉर्जेट्स बहुत पसंद की जाती हैं, और अगर मौसम बहुत ज़्यादा का बड़ा जी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये फ्लोई ड्रेसेस इससे बहुत अच्छे बनते हैं, फॉल बहुत अच्छी आती है इन कपड़ों के साथ, तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है, और मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली लॉन, और लॉन में भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है, बहुत वैरायटी आ चुकी है, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त डिज़ाइनर्स हैं सारे हमारे कंट्री में, के एक से बढ़ के एक डिजाइनिंग भी है, और उनके कट्स भी हैं, और लॉन्स का भी इसी तरह से है कि हर तरह का जो फैब्रिक है और उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जहन में रखी जाती है कि अकॉर्डिंग टू वेदर हो, वेदर हमारे यहाँ वेदर बहुत अच्छा, ये चीज़ें हैं हमारे पास, हर तरह का कपड़ा, हर तरह का फैशन, एक से एक बढ़ के चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल, इसमें अगर आपको इंतखाब करना आता है ना, आपको पता है कि आप पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, आपके बॉडी पे किस तरह के फिटिंग वाले ड्रेसेस, किस तरह के कट्स वाले ड्रेसिंग जो हैं वो खूबसूरत लगते हैं, अगर ये आपको अपने, यानी कि ये अपने शख्स अपनी ज़ात से मुतल्लिक अवेयरनेस है, अगर ये आपके पास मौजूद है ना, तो आपको हर तरह की चीज़ इस जो है वो मुल्क में मिल सकती है। लेकिन मसला ये है, हम दिखावे पर चलना चाहते हैं, ये तो दिखावा है, जो है ये हमारी शख्सियत को बिगाड़ रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से एग्री भी करती हूँ, इसलिए कि जब आप इतने ज़्यादा लोगों को देख रहे होते हैं, जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सोशलाइज जब आप करते हैं ना, तो आपको आपके ऊपर आ जाता है, वो रंग भी आ जाता है और वो असर भी आ जाता है। आपको पता है कुछ रंग कुछ असर ये तो आपको फ़ायदा बाज़ टाइम दे जाते हैं, जी लेकिन मोस्टली आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देती है ये सोसाइटी प्रेशर जो है। बिल्कुल करते हैं, आपको फाइनेंशियली भी करते हैं, मेंटली भी करते हैं, साइकोलॉजिकली करते हैं, एंड फिर आप जो है, आपको आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या चूज़ किया जाए, कैसे चला जाए, कैसे जाया जाए, तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि बी कॉन्फिडेंट, वट एवर यू आर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू शुड नो योर पर्सनैलिटी, और हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जाएँ, तो यू विल बी ईजी, यू विल बी कॉन्फिडेंट, एंड मेरा नहीं ख्याल कि यू विल बी वन ऑड आउट, इसलिए कि जब आप अपने आप को जानते हैं तो आप सिलेक्शन भी वैसी ही करते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है जब आप अपनी पर्सनालिटी को जानते हुए अपने ड्रेसेस का इंतखाब करते हैं, और अपने 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 वेयर अबाउट्स का, और अपनी डीलिंग के वो एग्जांपल्स भी देते हैं ना, अपनी चादर को देख के पाँव फैलाएं, बिल्कुल ऐसा, अगर आप अपनी चादर में रहते हैं ना, जी तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो कभी इफेक्ट नहीं होती, कभी उस पर कोई नेगेटिव असरात मुरतब नहीं होते, लेकिन जब आप उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, देन अगर आप खूबसूरत लग भी रहे हैं तो भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि शायद मुझ में कोई कमी है, सामने वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा ही है, इसलिए कि जब आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए ऐसा ड्रेसअप नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हिल जाता है, इसलिए कि जब नज़रें उठती हैं, लोग देखते हैं, ऑब्वियसली जब आप सोशलाइज कर रहे हैं, जब आप इवेंट्स पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मिल रहे हैं, तो कम ऐसा होता है कि कोई आपको ये कहे कि आप अच्छे नहीं लग रहे, ज़्यादातर लोग ये कह रहे होते हैं हाँ अच्छे लग रहे हैं, भले वो दिल से कहे या वैसे ही, बिल्कुल ऐसा, आपको खुश करने के लिए वो आपका दिल
रखने के लिए वो somehow आपको पता चल ही जाता है कि आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये इंसान को खुद ही उसी वक्त पता चल जाता है जब उसने वो घर में तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली, उसे किसी की वो तारीफ, किसी के लफ्जी गोलाबारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो वही जब घर में तैयार हो रहे हैं, आपने जो भी ड्रेस ले लिया वही कॉन्फिडेंस है आपको बता देता है आपका अपना, आप रिलैक्स हैं, आप कितने अच्छे लग रहे हैं वही से पता चल जाएगा। आपका आईना बहुत बड़ा जज है, बिल्कुल आपको वही बता देता है लोगों की क्या जरूरत है आपको। एग्जैक्टली, और आपका इनर सेल्फ जो है वो आपको बता देती है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बता देता है आप अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं। और जो आप बात कर रही थी ना कि हर कोई चाहता है कि मैं, बेशक मेरी चादर छोटी है, मैं पाँव फिर भी ज्यादा फैलाऊं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि महंगाई तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा हो गई है, बट मुझे ये बात बहुत पसंद आ रही है डिजाइनर्स की, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट के डिजाइनर्स ने मैसेज के लिए रेंजेस निकाल दी हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। ठीक है, तो आप अपनी पॉकेट के मुताबिक, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक आप बाइंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे ड्रेसेस आपको कम रेंज में मिल जाते हैं, सो यू कैन गो विद योर इवेंट्स और योर वेडिंग्स। बहुत अच्छे एक पैकेज ऑफर देती है, बिल्कुल, कि अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, आप अपने नॉर्मल बजट में भी खूबसूरत ड्रेस जो है वो परचेज कर सकते हैं। वही डिजाइनर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि आजकल प्रिंटेड दुपट्टों का बड़ा रिवाज है और सिंपल जो है वो ड्रेस आपका हो, साथ प्रिंटेड दुपट्टा हो, तो उन्होंने कहा कि आप थ्री पीस ना लें, ना परचेज करें। आपके घर में इतने ज्यादा दुपट्टे तो पड़े होंगे, अम्मी के पड़े होंगे, बहनों के पड़े होंगे, किसी ना किसी बड़ों के पड़े होंगे, आपके पड़े होंगे, सादा कमीशन वाला ले लें, सादा कपड़ा ले लें, किसी डिजाइनर से अच्छा स्टिच कर लें, आप मैच कर लें, इतना खूबसूरत लगेगा, खूबसूरत लगेगा। और या अगर आपके कोई पुराने ड्रेसेस पड़े हुए हैं, उनको आप अगर एक अच्छे आप खुद भी डिजाइनर हैं तो जी, अच्छा उसे बना सकते हैं, डिजाइनर से गाइडलाइन ले सकते हैं, रिवैम्प कर सकते हैं आप उसको, और बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं उसको। आजकल जो है वो प्रिंटेड के ऊपर बहुत काम चल रहा है, कोरे दबके का भी है, अड्डे का काम भी है, और लेसिस के साथ भी बहुत ज्यादा है, प्रिंटेड जो है वो बहुत इन हो रहे हैं ड्रेसेस, और उनके ऊपर बहुत खूबसूरत जो है ना मीनाकारी का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक हो गया, पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? मेरा पैगाम ख्वातीन के लिए यही है कि खूबसूरत नज़र आए कॉन्फिडेंस के साथ, और अपने आप को जानते हुए, और डोंट फॉलो द ट्रेंड्स ब्लाइंडली, थोड़ा सा अपना कॉन्शियस होके चलें आप, तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। बहुत शुक्रिया नहीद, बहुत शुक्रिया। यकीनन यही चीज़ मैटर करती है नाज़रीन, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हैं, आपने खुद जो वेयर किया हुआ आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप खुद हैप्पी हैं, आपका इनर आपको बता रहा है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, भाई मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, मुझे किसी के सामने दिखावा करने की या किसी को देख के अपनी शख्सियत बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ, जो मैंने वेयर किया हुआ है, इसी में मैं खूबसूरत लग रही हूँ, जो तो वो जो खूबसूरती है ना, वो जो आप पहनेंगे ना, वो हकीकी खुशी आपको देगा, और वही एक्चुअल में जो खूबसूरती है आपकी वो निखर के सामने आएगी। लेकिन जब आप दिखावे की तरफ जाएंगे, जब आप कहेंगे कि वो सामने वाले ने ऐसे कपड़े पहने हुए, मैंने भी वही ब्रांड या वही कलर या वही चीज़ वेयर करनी है, तो हो सकता है आप उसमें कंफर्टेबल ना हो, हो सकता है जो आपकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत है वो इस दिखावे के चक्रों में कहीं ख़त्म हो जाए, कहीं उसकी खूबसूरती कम पड़ जाए, तो हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप देखें, आप उसे इम्प्रेस हों आप, लेकिन उसके साथ खुद को कंपेयर करने की कोशिश ना करें। कंपैरिजन में पड़ेंगे ना, तो जो आपकी पर्सनालिटी है ना, ये भी कहीं की नहीं रहेगी, तो आप अजीब वो ज़हनी कैफियत, एक ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, जो कोई आपको और बदसूरत बना सकते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ ऐसा हो, इसलिए हम आपको अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। ब्रेक के जाने पड़ने, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक है, वो भी आपकी खूबसूरती से रिलेटेड है, वो जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज के डिफरेंट टॉपिक्स जो कि आपकी खूबसूरती से ही रिलेट करते हैं, जिन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले मेकअप की बात की, वो भी यकीनन आपकी शख्सियत से मुंसलिक है, ड्रेसिंग की बात की, वो भी आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है, खूबसूरत बनाते हैं, आपको अवेयर करते हैं। अब इसके साथ एक और हम चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ मेकअप की बात करते हैं, जहाँ हम ड्रेसिस की बात करते हैं, वहीं अगर बात कर ली जाए सेहत की, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब आप तंदुरुस्त होंगे, आप सेहतमंद होंगे, तो आपने मेकअप किया होगा तो भी अच्छे लगेंगे, ड्रेस कोई भी कैरी किया होगा, चाहे सादा होगा, फैंसी होगा, तो आप खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हैं, आपने ख़ुद को महफूज नहीं रखा हुआ इन बीमारियों से, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप बड़ी सुस्त हैं, कमज़ोर से हैं, अजीब सी अपनी हालत बना रखी है, तो ये जो इतने हम इतनी खूबसूरती की, इतने ड्रेसेस की, इतने मेकओवर की जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ, इतने टिप्स हम आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुद को परफेक्ट रखना, खुद को फिट रखना, खुद को एक्टिव रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस वक्त जो
एक माहौल हमें दिखाई दे रहा है, अपने खाने पीने की रूटीन हमारी सेट नहीं होती, प्रॉपर एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, सोने की कोई रूटीन हमने नहीं रखी होती, बस जब टाइम मिला हम सो गए, जब मोबाइल से फुर्सत मिली हमने नींद कर ली, जब मोबाइल से फुर्सत मिली हमने खाना खा लिया, या फिर खाना खाते हुए भी टीवी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि सेहतमंद किस तरह से हम खुद को रख सकते हैं डिफरेंट जो दीगर बीमारियाँ, आजकल आपको पता है बहुत सारी बीमारियाँ आए दिन कोई ना कोई बीमारी जो है वो नई क्रिएट हो रही होती है, जो कि अजीब भी सिलसिला इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, तो उससे कैसे हम खुद को महफूज रखें, कैसे खुद को फिट रख सकते हैं, तो इसी पर हमें गाइड करने के लिए हमारे पास चीफ फिटनेस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन किया है नजीब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नजीब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? नजीब, सेहतमंद रहने की हम बात कर रहे हैं, सेहतमंद अगर हम नहीं रहेंगे, अच्छी डाइट नहीं होगी, तो उसकी वजह से जैसे हमें कौन सी बीमारी आ सकती है? अच्छी डाइट का ये फायदा होता है कि इंसान फ्रेश होता है, उसकी बॉडी में एनर्जी होती है, और जहाँ पे जाता है तो उसकी लुक से, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से पता चलता है कि ये बंदा हेल्दी है। हेल्दी इंसान वैसे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक फिजिक होती है, तो उसकी जो स्किन है, जो आईज है, वो बताती है कि ये सोया हुआ है, थका हुआ है। तो जितने आप एक्टिव होंगे, आपका फेस, आपकी आंखें, आपकी एनर्जी बता देगी, बता देती है कि आप कितने सेहतमंद हैं, कितने फिट हैं, या कितने आप लेजी, या कितनी बीमारियों को लेके साथ चले हुए। हाँ जी, कभी कहते सबसे बड़ी बात जो हेल्थ के लिए जरूरी वो है एक हंसना, खिलखिला के हंसना, वो सेहत के लिए अच्छा। ये थेरेपी है ना? जी, थेरेपी ये भी है। लोग कहते हैं कि मेरे को पागल है इतना हंसना। जी 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 भाई, ये ट्रेनर से पूछे कि ये एक थेरेपी है। हाँ जी, थेरेपी है ये। हाँ। ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना हंसते हैं ना, दिन में 2-3 दफा हंस के, इसलिए कहते हैं कि बहुत अमीर लोग होते हैं जिनके हंसने वाले दोस्त होते हैं जो आपको सारा दिन हंसाए, लेकिन हमारे पास हंसने वाले सब टेंशन लेके रुलाने वाले ज्यादा, सब कोई ना कोई टेंशन लेके आते, तो हम टेंशन में सारा दिन गुजारते हैं। टेंशन से हमारी सेहत की पर बहुत बड़ा। अच्छा, हम ये नहीं समझते कि हम टेंशनों को अपने साथ ही कैरी कर लेते हैं। किसी गैदरिंग में गए हैं, वहाँ पे भी हम टेंशन डिस्कस करेंगे, घर में आए हैं फैमिली के साथ तो भी टेंशन डिस्कस करेंगे, कोई स्टेटस लगा रहे हैं तो उसमें भी हम टेंशन डिस्कस कर रहे होंगे, क्या इससे टेंशन खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती, हम और डिप्रेस होते हैं। इवन स्टेटस ने हमारी टेंशन बढ़ा दी है, हम जो है ना वो कंपटीशन में आ गए, बजाय ये कि हम नेचुरल उसमें आए। एक्सरसाइज की आपने बात की, पहले जमाने में ये था कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी, हमें याद है हम 1-2 बजे ग्राउंड तक दोपहर तक होते थे, मामा आके मारते थे कि तुम गर्मी में खेल रहे थे। अब बच्चे बाहर निकलते, वो एक फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी। सुबह 8 बजे घर से निकलते, 4-5 घंटे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी का हम मैच खेलते। अब एक्टिविटी फोनों पे आ गई है, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, अब इन पे आ गई। एग्जैक्टली, इसका नुकसान ये है कि बच्चा जब छोटा था ना, स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम खेलते कूदते, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती थी, अभी तक हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, अब बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। यही बात है कि वो जो हम अपने वक्त की बात करें, उसमें नौजवान यानी कि आपके मेरी उम्र जो है, यस, उसमें जो है कि एक तो सेहतमंद, आपकी हाइट अच्छी, फिजिक अच्छी, अब के बच्चे उनके देखें ओवरवेट हो रहे हैं, हाइट उस तरह नहीं बढ़ पा रही, वो जो उनकी एक ग्रोथ है वो रुक गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें बच्चे गर्मियों में सोते कब है, लेट तक सोते हैं। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हेल्थ का। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब हमें नींद आती है ना, हम फ़ोन में लगे होते हैं। हमारा सबसे लीजर जो टाइम होता है ना, वो ये होता है कि हम बेड पे लेट जाएं और फ़ोन पकड़ें, सारे दिन की जो एक्टिविटी है वो देखें, उस टाइम हमें नींद आती है। जब हमारी नींद उड़ जाती ना, तो हम फिर वो फ़ोन रख के सोने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं आती, देखिए ऊबर हो जाते हैं। जैसे आपकी भूख है, आपको भूख लगती है, जब आपको खाना नहीं मिलता आपकी भूख मिट जाती है, आप फिर ऊबर जो ना स्टैंड बाय मोड में चले जाते हैं। जब स्टैंड बाय मोड पर जाते तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जाती है, आपकी नींद, आपकी खुराक वो जाया हो जाती है। तो हमारे अक्सर बच्चे सुबह के अजानों तक जागते हैं, सुबह के बाद सो जाते हैं, फिर 2-3 बजे उठते तो सुस्ती होती है। तो हमारा जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वही सारा डिस्टर्ब है। बिल्कुल हमने चेंज कर लिया, वो जो देखें कुदरत के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। जैसे अब चांद है, वो सूरज के टाइम पे तो नहीं निकलेगा, सूरज अब चांद के वक्त पे तो नहीं निकलेगा, अब कुदरत आपको बता रही है। जी, तो जब आप कुदरत के बरक्स होंगे, इसके आप अगेंस्ट जाएंगे, तो आपके बॉडी में ये जो हम इश्यूज की बात कर रहे हैं, बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली पैदा होंगे। जी बिल्कुल, रात को जागना, दिन को सोना, बिल्कुल। मैं देखिए लाइफ बहुत सिंपल है, हमने खुद बहुत मुश्किल बनाई है। देखिए आप अर्ली जो है, अर्ली टू बेड अर्ली टू रेज, ठीक है, आप जल्दी सोएंगे जल्दी उठ जाएं, तो आप ब्रेकफास्ट भी करेंगे, आप लंच भी करेंगे, आप डिनर भी करेंगे, वो सारे काम जो हम करना चाहते हैं ना, वो भी हो जाएंगे। हाँ जी, वो भी हो जाएंगे अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो। जी बिल्कुल, देखिए पहले लोग हेल्दी थे, वो कैसे थे कि इशा के फौरी तौर पर या मगरिब के बाद डिनर करते थे। अब हमारा डिनर रात को 12 बजे 1 बजे चला गया। तो जब हम अच्छा किसी को बोले ना, हमने 8 बजे डिनर कर लिया, 7 बजे, इतनी जल्दी खाना खा ले तुम, कोई टाइम था? मजाक उड़ाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, एक छोटा सा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक अभी ना जदीद जो साइंस आ रही है, वो इसके कि हम
स्मॉल जो पोर्शन है ना उसमें स्मॉल डिशेज में चले गए कि हम जो एक टाइम पे अगर हम खाना खाएं तो हम स्मॉल मील्स ले, मतलब एक 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 पेस्ट्री खाई, एक के बाद एक सैंडविच खाया दो तीन घंटे बाद, उसके बाद फ्रूट चाट खाया, तो हम पहले ये थे कि हम पेट भर के तीन तीन रोटी खाते थे। अब जदीद रिसर्च ये कहते हैं कि आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन जो है ना उसके मील्स ले लें। इस तरह पानी है हमारा ये कल्चर है कि मैं परसों ही पढ़ रहा था कि हम एक गिलास एक बोतल एक साथ पानी पी लेते एक गिलास, तो वो गलत है। आप पानी का इस्तेमाल जो है छोटे छोटे घूंट के साथ करें। अच्छा। दो दो तीन तीन पांच मिनट बाद आप छोटे छोटे सीप लें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, उससे आपका हेल्थ भी। एकदम से पूरी बोतल को मुंह ना लगाएं। हाँ जी, हम एक गिलास एक साथ पी लेते हैं तो ये हमारा पेट बाहर निकल आता है। इस्लाम भी तो आपको कहते हैं ना तीन सांस में जो है वो आप पानी पिए। अच्छा, एक ही सांस में पूरा ग्लास गटकना। हाँ जी, वो तीन सांस का जो जब मैंने उसकी पर तहकीक की, जो मैंने सोचा, मेरे एक मुफ्ती साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे जब मैंने डिस्कशन की कि तीन सांस का क्यों जिक्र है, तो जो मेरे जहन में जब मैंने सोचा डिस्कशन की, उसका मतलब ये था कि आप ठहर ठहर के आराम आराम से पानी पिए। तीन सांस के पीने का यही था, और हमारी बॉडी को एनर्जी भी वही पानी देता है कि हम ठहर के आराम आराम से पीते हैं। अगर आप छोटे छोटे सीप लेते हैं ना, आप बोतल अपने टेबल पे रखिए, साथ साथ पीते हैं पूरा दिन, खुद को रिहाइड्रेट करते हैं, इसको कहते हैं रिहाइड्रेट, रिफ्यूल करना, तो आपके बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद। अब गाड़ी चला रहे हैं उसको भी केयर की जरूरत है। हाँ जी, तो आप खुद को रोबोट की तरह चलाए जा रहे हैं और अपनी केयर नहीं किए जा रहे, तो एट द एंड आपने बीमार होना है। बीमार होना है आपने, फिर ना घर का रहना ना घाट का रहना। हाँ जी, ऐसा ही है। और हम मील में स्पेशली बहुत स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड का करते हैं। मुझे बताएं कि आजकल कौन दाल सब्जी खाए तो उसको शर्म आती है कि मैं घर में दाल लाए। कभी किसी ने दाल सब्जी का स्टेटस लगाया? नहीं लगाया। नहीं, क्यों? क्योंकि शर्म महसूस होती है, स्टेटस कॉन्शियस। यही पिज्जा खा रहे होंगे, बर्गर खा रहे होंगे, कहीं मुर्ग पुलाव लगा होगा, चिकन कढ़ाई बनी होगी, बारबेक्यू होगा, फॉरेन स्टेटस लगेगा। फॉरेन स्टेटस लगेगा। और ये हमारी हेल्थ के सबसे नुकसानदेह, और ये हमारे ज़हनी बेसकूनी की जो वजह है वो ये चीजें, ये चीज। अच्छा, इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है ना स्पाइसी चीजों का, हम जब खाते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन जो निजाम हजम है उसको डिस्टर्ब करता है, हमारी कब्ज जो है ना कब्ज बनाती है, तो ये स्पाइसी चीज हमारे पेट में काफी देर तक पड़ी रहती है। एक सिंपल सी बात है, अगर हम सोचें अस्पताल में जब हम जाते हैं, जब कोई बंदा बीमार होता है, जब उसको डिश आती है सालन, वो क्यों इतना सिर्फ नमक वाला होता है, उबला होता है, नमक होता है, क्यों? अगर हम इस पे सोचें कि भाई उसकी सेहत के लिए वो चीज बहुत हेल्दी चीज है। चाइनीज के खाने देखे ना, किस तरह वो खाते हैं, हमारे लोग खा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं होता। मरीजों वाला खाना वो कहेंगे, तो मरीजों वाला उबला हुआ खाना ये कौन खाएगा? कौन खाएगा? मैं भी, आप इवन अफगानियों के और ईरानियों के, इनके देखे उबले हुए तुर्किश के, उबले हुए चीजें खाते, उबला हुआ गोश्त खाते, उबले हुए दम पोक खाते हैं, लेकिन हमें ढेर सारे मिर्च मसाले, ढेर सारा ऑयल डाल के, जब तक उस खाने का वो हम सत्यानाश ना कर लेना, उसकी जो अफादियत है वो खत्म ना कर लें, हमने खाना नहीं खाना। अच्छा, इसके पता है क्या मतलब, हम उस वो चीज नेचुरल टेस्ट से नहीं खाते, हम नेचर से हटके, अब दही है, मुझे बताया दही में जब आप काली मिर्च रायता मैदा सारा कुछ करके, उसकी नेचुरल टेस्ट कहाँ जाएगी? चावल है उसके, हम बिरयानी इतने मसाले डाल, जहर बना ले, जहर बना ले जो चीज जिसने हमें फायदा देना है, जो हेल्दी है, हेल्दी डाइट से हम उसको जहर बना के खाएंगे तो कहाँ वो हमें फायदा देगी? और हम कहेंगे नहीं, हम तो दही खाते हैं, दही में मिला के क्या खा रहे हैं वो भी बताएं। अच्छा, उसका नेचुरल टेस्ट कहाँ गया? अल्लाह ताला ने चीज नेचुरल टेस्ट में बनाई है। अब मैं सुबह ना अक्सर, अभी मैं ब्रेकफास्ट में आजकल तो तरबूज खाता हूँ, वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। उसके अंदर ग्लूकोज का बड़ा रोल होता है, उसमें पानी, तो अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में करते हैं ना, ठंडा होकर फ्रीजर में रखा हो, तो आपको सही एनर्जी देती है, आपको बहुत मजा आता है जब आप उसको खाते हैं। अब तो सीजन भी गुजर रहा है, तो उसके अंदर ना अक्सर लोग नमक उसके ऊपर डाल देते हैं, तो मैं कहता हूं ये बड़ा ट्रिक है, तरबूज के ऊपर नमक डाल के खाएं, उससे क्या आपको जो है ना ये हमने फूड पॉइजनिंग के जो सिलसिले वो नहीं होंगे। अच्छा, ये हाँ, ये हमने खुद से कॉन्सेप्ट बनाया है, देखो अल्लाह ताला ने चीज बनाई है, ये अपने कॉन्सेप्ट जो है ना, इस पे मजीद बात करते हैं ब्रेक के जाने पर, ब्रेक के बाद इस पे मजीद हम इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं आपकी खूबसूरती के हवाले से, खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, जहाँ डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं वहीं पे आपकी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को बीमारियों से महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किस तरह से हो सकते हैं? जब आपकी डाइट अच्छी होगी, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप खुश रहेंगे, तभी ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, आप सेहतमंद रह सकते हैं। उसी पर हम डिस्कशन करें। नजीब, हम ख्याली पुलाव बड़ा पकाते हैं कि मैं आज से शुरू कर दूंगी एक्सरसाइज, खाना अच्छा खाना शुरू कर दूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगी, ना ख़ुद को तकलीफ़ में रखूंगी, और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा 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 होता रहेगा। और एक 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 जगह पर बैठ के हम ये सोच रहे होंगे, बस जैसे ही वो जगह हमने चेंज की, ये पुलाव भी वहीं पर रह गया। एग्जैक्टली, देखें इंग्लिश का एक मुहावरा है कि जो लंबा सफ़र है, जो
थाउजेंड माइल्स का वो पहले कदम से स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. हम पहला कदम नहीं ले सकते, हम ना अब वो सोच में रहते हैं, उसी में खुद को मगन रखे हुए. अगर हम थोड़ा सा एक्टिव करें ना तो पहला कदम लेने तो बाकी कदम बहुत आसान हो जाएंगे. हम पहला कदम नहीं लेते, और हमारी ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि वो फर्स्ट स्टेप के लिए उनको घसीट के उस पे ले जाए, ताकि फर्स्ट स्टेप जो है ना वो अबूर कर ले. पहली सीढ़ी अभी अबूर होगी ना तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाए. हाँ जी, मंजिल पहुंचना आसान है. पहला कदम हम ले लें, पहली सीढ़ी पे हम चढ़ जाना तो आगे हम मंजिल पे पहुंच सकते हैं. हम सुस्ती रवि में ना हम पहला कदम नहीं ले सकते. हम अपने इतने चीजों में इन्वॉल्व कर चुके हैं, हमें मिलता हासिल कुछ नहीं होता, वही चीजें रह जाती, लेकिन अपने जहन की जहनी परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी खुद पे वो हावी कर देते हैं. बजाय ये कि हम एक घंटा डेढ़ घंटा हम अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकाले, दोस्तों के साथ रखें, हम कंपनी कुछ ऐसा बना लें जिसमें यार दोस्तों हंसने के लिए, जहाँ पे हंसने का महफल हो, दोस्तों के साथ खुल के बंदे एंजॉय करें, वो वाली एनवायरमेंट हमें चाहिए. तो हम थोड़ा सा अपने आप को, अक्षय कुमार का मैं वो पढ़ रहा था तो उसने एक दफ़ा कहा था कि इंसान को 24 में से 25 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, मतलब अपनी फिटनेस के लिए. तो ये वाकई में कि कुरान पाक में है कि और हमने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया, तो ये इंसान का हक है कि अपने अच्छी शक्ल सूरत को मेंटेन करे, ख्याल रखे. एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ये खूबसूरत जिंदगी दी है हमें, इसकी हमने हिफाजत कर दी, हिफाजत कर अपने लिए, यानी कि एक्सरसाइज ना करके, अच्छा खाना ना खाकर, खुश ना रहकर, ये हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं. ये जो हमें एक जिम्मेदारी निभानी है, अपनी हिफाजत करनी है, ये इस अमानत में खयानत कर रहे हैं. बिल्कुल, अपनी केयर नहीं किए जा रहे. लोग उठ के एक्सरसाइज नहीं करते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, या इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, जिम में कोई भी एक्टिविटी ले लें, क्यों? क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास. वक्त है महवेश, आप देखें तो आप, अगर हम डेली ना, आजकल हमें मोबाइल बताता है कि आपका आज के दिन की कितनी ड्यूरेशन मोबाइल की यूज़ की थी, तो नॉर्मल किसी के 8 घंटे 10 घंटे उसका स्क्रीन का टाइम होता है कि आप कितनी देर स्क्रीन पे थे. तो हम 8-10-12 घंटे स्क्रीन को दे रहे हैं, भाई स्क्रीन के बजाय एक घंटा आप खुद को देना. टाइम सबके पास होता है, डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटीज कि आपके प्रायोरिटीज में क्या चीज़ है. नमाज एक फुल एक्सरसाइज है. जी, फुल एक्सरसाइज है, यानी अगर आप टोटल टाइम भी काउंट करें तो एक घंटा बनेगा, बिल्कुल तो एक घंटे से भी कम बनता है, कम बनेगा. एग्जैक्टली, तो वो एक मुकम्मल एक्सरसाइज, एक पैकेज आपको 5 टाइम का मिला हुआ है, वो हम कितना, सबसे बड़े, अब बाकी सारा छोड़ दें. मेरी सबसे बड़ी बात वो आपकी रूह की एक्सरसाइज है, ठीक है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज है. आप हमारे तौर पे खुश होते हैं कि नमाज पढ़ी, सजदा लगाया, अल्लाह ताला ने सेहत दे दी. तो वही चीजें जो ना हमारी, हमने मेरे शक, हम अपना लाइफ का स्केड्यूल ठीक करें 24 आवर्स का, कि ये मेरे सोने का टाइम है, ये मेरे खाने का, ये नमाज का, ये दोस्तों का, ये वॉक का, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी. हम स्केड्यूल नहीं बनाते, हमारा स्केड्यूल है नहीं लाइफ का, तुक्के पे चलते हैं, इधर गए उधर गए, खाना खाया बस, किसी टाइम दोस्त ने कहा खाना है तो 5 बजे भी असर को खाना खा लेंगे, किसी दिन 1 बजे खा लेंगे, किसी टाइम फ्री का खाना मिला मनाल पे तो मनाल 12 बजे खा लेंगे. तो कोई टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है. तो हमें थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना चाहिए. हम बेसिकली पाकिस्तानी ना ओवर फूड, मतलब हम ओवर ईटिंग को, हमें जिधर जो कुछ मिलता है हम काप ही लेते हैं. आपका पेट है, आपकी सेहत है, आप इसके साथ इतनी ज्यादती क्यों करते हैं? हाँ जी, अगर महफिल पर आया पेट तो अपना है ना, तो वो हमें हमें थोड़ा सा ना कॉन्शियस होना चाहिए. हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो हेल्थ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम इन्हीं दोनों पे फोकस नहीं किए, ना अपनी सेहत पे ना अपनी तालीम पे. हाँ जी, और एक छोटी सी कंपैरिजन पहले अपने चाइनीज की बात की, चाइनीज और जापानीज को आप देखें, उनकी प्लेट, उनकी ट्रे इतनी छोटी छोटी सी होती है, ऐसे कोई चीज छोटी उठाते खाते, हमारी इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें ट्रे होती है, बड़ी होती है, और हम वो सारा जब तक खत्म नहीं करते ना तोड़ते नहीं है. उनकी इतनी छोटी छोटी सी प्लेट डिशेज होती है, आराम से खा के अपने कैलोरीज 1800 लिए उठ गए. उसको पता है जो इस्लाम ने हमें दरस दिया, जो इस्लाम ने हमारे लिए चीजें मुख्तस की, वेस्ट ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने तरक्की भी कर ली, अपनी सेहत को भी महफूज कर लिया, हमने उनकी चीजें अडॉप्ट कर ली. अब ये इस्लाम ने कहा ना कि जितना गुंजाइश है जितना तुम खा सकते, तो वही उतना ही प्लेट में रखो, उतनी प्लेट उससे ज्यादा मत, और अपनी प्लेट साफ करके उठो. इवन हजरत अली रज़ा का कौल है कि जब तक पहला गिज़ा हजम ना हो दूसरा मत खाओ, मत खाओ. हमारा पहला पड़ा होता है, हम कहते नहीं यार आज मजे की करके खा लेते. हाँ जी, और ऐसे जैसे कि बस पता नहीं दोबारा मुझे ये खाना नहीं मिलना और मैंने इस दुनिया से चले जाना है या ये खाना खत्म हो जाना है, इस तरह हम खाने के पीछे पड़ जाते हैं. जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते, इसका हमारे जिस्मानी सेहत पे, जहनी सेहत पे क्या इसके नेगेटिव इसका बहुत बड़ा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ये सिर्फ नींद नहीं, ये 3 लाइफ साइकिल है, न्यूट्रिशन, फ्यूल, जो हम खाते पीते सारा दिन, फिजिकल एग्जर्शन, फिजिकल एक्टिविटी, जितना हम वॉक करते हैं, घूमते फिरते हैं, और रेस्ट, ये 3 लाइफ साइकिल है. ये तीनों में से एक भी डिस्टर्ब होते हैं ना,
तो दो ऑटोमेटिकली होते हैं। लेट सपोज आपकी रेस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी न्यूट्रिशन खाते पीते नहीं हो और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर तो रेस्ट करके क्या फायदा? अगर आप खाते पीते बहुत है वो एग्जर्शन भी करते हैं, रेस्ट पूरी नहीं है तो बॉडी को तो इंजरी हो जाएगी, रिकवरी टाइम नहीं मिला। तो एक हेल्दी रिकवरी जो बहुत जरूरी है, आप 7 से 8 घंटे और स्लीपिंग आवर्स मैक्सिमम 11 बजे से लेकर 6-7 बजे तक, दिस इज द बेस्ट टाइम, 10 बजे से लेकर 11 तक, उससे लेकर आप 6-7 बजे तक, 12 से 3 का जो ये दौरानिया है जिसमें आपके हार्मोन चेंज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक टाइम आता है कि हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हम जब डीप नींद में जाते हैं, पता नहीं, हम अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा उठा लेता है, एक टाइम आता है कि हम पैरालाइज हो जाते हैं, हम दुनिया में नहीं होते, कि हमारी जो है बॉडी उस सिस्टम में चली जाती है। तो लिहाजा हमें नींद और खाना पीना और फिजिकल एग्जर्शन, ये 3 लाइफ साइकिल है, इसको हमें एक साइकिल में लाना है। ये जब तीनों ठीक होगी ना आपकी हेल्थ ठीक होगी ऑटोमेटिकली। आप एक छोटी सी एक सिंपल सी सोविट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मजदूरों को देखें जो मजदूरी करते हैं, बेलचे वगैरह मारते हैं, वो 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं। आप उनकी मसल देखें, आप उनकी बॉडी देखें, आप उनकी सेहत देखें, इतनी जबरदस्त है, क्योंकि वो सिंपल दाल रोटी खाते हैं, उनको मजदूरों को वही मिलता है, दाल सब्जी का रोटी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कभी उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ, कभी उन्हें भी बीपी का इशू हुआ, कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होता। वो गुर्बत के बेचारे परेशानियों की वजह से, गुर्बत से बेचारे जो है परेशान होते हैं, वो एक अलग, हाँ वो एक अलग चीज़, लेकिन सेहत के हवाले से देखें तो वो हमसे अच्छी नींद सोते हैं, इतने सकून की नींद सोते हैं, ईशा पढ़ के सो जाते हैं जमीनों पे, वो अपने जो खाना पीना और वो अल्लाह पे अगले दिन का छोड़ देते हैं। अभी जो मिल गया हमने खा लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट वो उसी के जमीन, और मैं भी वही कहना, उन्हें कल की फिक्र नहीं होती, कल की फिक्र वही कहना, सबसे हेल्दी दाल और सब्जी, रोटी दाल रोटी सब्जी, ये सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। एग्जैक्टली, हां, और हम लोग दूसरी चीजों में जाके ना गलत चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाना या हम ये जो बीफ के पीछे चिकन के पीछे भाग रहे होते हैं, इसमें कौन से जो है वो ये हेल्दी डाइट है, कौन से इसमें सेहत पड़ी हुई है, सेहत पड़ी हुई है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आजकल मौसम है, थोड़ा सा मैं अपने जो सुनने वाले उनको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कोशिश करें कि हीट स्ट्रोक से बचें, ऐसे टाइम पे धूप में ज्यादा ना जाएं। हाँ, मौसम अगर, अगर आप ऐसे जाते भी हैं तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, इस वेदर में हमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें इतनी प्यास लगती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा है, हब्स होती है, फील टेम्परेचर जो फील होता है 5 ज्यादा होता है, 36 से तो 41 हमें फील होता है, वो हब्स की वजह से। तो कोशिश करें कि इस मौसम में अल्लाह ने हमें पल दिए, हर किस्म के पल दिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया के हर नेमत दी है, हर किस्म के पल दिए, हर मौसम में जो उस मौसम में जो इंसानी बॉडी की नीड है अल्लाह पाक ने उसी के अकॉर्डिंग तमाम चीजें, फल है, सब्जियां हैं, वेदर, जिस तरह की जो इंसानी बॉडी की नीड जो जरूरत है वही हमें अल्लाह पाक देते हैं। लेकिन मैं देखे ना, अब उसका इस्तेमाल हमारी वही चीजें गले सड़ जाते हैं। आप देखे ना, हम सोडा वाटर की दुकान पे खड़े जाते हैं, एक दूध सोडा बनाओ, एक लेमन सोडा बनाओ, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह, वाटर मेलन नहीं खाएंगे, तरबूज नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, हाँ जी, ना हम जूस पियेंगे, ना मैंगो खाएंगे, ना हम ये तरबूज खाएंगे। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे, हम आम नहीं खाते, हमें मैंगो पसंद नहीं है, मैंगो किसको मतलब बड़े फखर से वो बता रहे होते, नहीं नहीं मैं आम नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, मैं एप्पल नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, मतलब बड़े फखर से बता रहे होते, फखर से बता रहे कि हम फ्रूट नहीं खाते, लेकिन सब में कसूर पेरेंट्स का है, पेरेंट्स ने टेस्ट डेवलप करना, ये बच्चों को तो नहीं पता, दूध के अलावा उन्हें किसी और टेस्ट का नहीं पता, नहीं पता, इवन लस्सी का सीजन है, लस्सी भी लोग पिए, बजाय आप कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हो खाने के साथ, मुझे एक पेप्सी कोक दे दो, बजाय आप लस्सी मंगवाएं, सबसे बेस्ट है, आपके स्टोमिक को ठंडा रहता है, आपके लिए आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। इस तरह आप जूसेस पिए, शेक्स पिए, आप बजाय ये कि वहाँ पे रास्ते में सोडा लेमन सोडा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं भाई, नेचर से लेना, अल्लाह ने चीज हमें दी है, हम नेचर की तरफ जाते नहीं है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी ठंडा पिए, लेमन पानी बहुत बेहतरीन मौसम बारिश है ना, कि सॉरी टू से अनफॉर्चूनेटली, जब तक हमारे हाथ में एनर्जी ड्रिंक नहीं होती ना, हमारा स्टेटस जो है ना वो उस तरह शो नहीं होता, शो ऑफ नहीं होता है कि हाँ हम तो बड़े बहुत बड़े 30 बार खान है ना, जी जी, मतलब कुदरती चीज़ों से हट के जो सेहत के लिए नुकसान वाली चीज़ें हैं वो हाथ में पकड़ के हम बड़ा फख्र महसूस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बच्चों की सेहत की बात कीजिए, इस वक्त छोटे एक कि सेहत की हिफाजत करना, सेहतमंद रहना, हेल्दी डाइट, बच्चों में फिजिकल एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी है, उनकी हेल्दी डाइट नहीं है, छोटे बच्चों में अजीब किस्म की डिजीज़ सामने आ रही हैं। बिल्कुल महवेश, ऐसा ही है, हमारे जो आप घर के किचन चेक करें, फ्रिज चेक करें, तो कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पे, नूडल्स, मैकरोनी, ये चीज़ें सारी पड़ी होती हैं भाई, आप पर उनको घर की रोटी दे, पराठा बना के, पराठा अंडा दे, हम लोग तो वही चीज़ें खाते थे, टैब्स उनको दिए, माँ ने जान छोड़ी, बेटा ये टैब्स में लगे हो, गेम खेलते हो, टीवी लगाई, भाई उनको फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो एक डेवलपमेंटल स्टेज है, उसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि इस स्टेज में बच्चे को फोकस करें, जब उनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, एंड पे उनको जरूरत नहीं है, 20 से 25 साल तक, इवन 22 साल तक लड़कियों के लिए
17 18 साल, बॉयज़ के लिए 22 23 साल तक उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। हाँ। वो जैसे एक दरख्त होता है ना, आप उसको पानी देंगे ना तो वो एक मजबूत दरख्त बनता है, पानी नहीं देंगे तो सुकड़ के गिर जाता है नीचे। तो जब पौधे को जितना पानी देंगे तो मजबूत दरख्त बनता है, उसकी टहनियां मजबूत होती हैं। इस तरह सेम ये बच्चे हैं, आप अच्छी डाइट देंगे, देसी घी कौन यूज़ करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो हमारे जूसेज हैं, फ्रेश जूसेज हैं, हमें याद है गर्मियों में हमारे वाले साहब वालदा वो हमें मैंगो का जूस रात को देते थे, शेक बनाना का, बनाना आजकल आ गए, एक एक दो दो गिलास हम शेक पीते थे, मिल्क पीते थे। अब ये चीज़ें कहाँ हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मक्खन खाते थे, मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं स्कूल से आती थी तो वो मक्खन घी में वो रोटी को वो चूरी टाइप बना चूरी, के चूरी, हाँ वो अम्मा मुझे जो है हाँ वो दोपहर के खाने में वो देती थी। आजकल बस वही जनरेशन सरवाइव कर रही है, वही जनरेशन है। अब आज के बच्चे के सामने मक्खन रखे ना तो उसके मुंह के डिजाइन देखिएगा, अच्छा, कितनी शक्ल में बनाएगा वो। अच्छा, सबसे नुकसान इसका क्या हो कि बच्चे में ना फिर वो बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया, हो गया ना, आप देखें ना अग्रेसिव है बच्चा हमारा, अग्रेसिव है, हाँ। इसलिए कि हेल्दी उसके उसका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, वो इतना वीक है कि उसको हर बात पर गुस्सा आता है, वीक बंदे को गुस्सा आता है, तो गुस्सा नहीं आता। तो बच्चों को काइंडली पेरेंट्स को, अच्छा सीजन है, समर कैंप्स हैं, बाकी लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट की, कोई फिजिकल एक्टिविटी इनको कराएं, टैप से दूर रखें, एजुकेशन उनकी कराएं, इनको होमवर्क कराएं, लेकिन ग्राउंड एटलीस्ट वन एंड हाफ उनको ग्राउंड लेके जाएं। हमें तो इस टाइम वो आज एक वो अच्छा हम कहते हैं वालिदैन जो हैं वो इस वक्त जो उनकी एक मुझे लापरवाही या उनकी जो गलती या मुझे दिखाई दे रही है, बच्चे को एसी रूम दे दिए, ये उसका लाइफस्टाइल है एसी, भाई ये मेरी जिम्मेदारी थी, बच्चे को एक अच्छा टैब लेके दे दिए, ये यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी, घर जो फ्रिज है वो खानों से भर दिए, ये मेरी जिम्मेदारी थी, अच्छा अच्छा उसको अच्छे कपड़े ला के दे रहे हैं, तो बस यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी, मतलब ये आज के वालिदैन ये समझ रहे, ये समझते, ये बिल्कुल। इवन आप, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे वो गाड़ी में स्कूल जाते हैं, बच्चे को गाड़ी में सैंडविच खिला देते हैं कि जब स्कूल ड्रॉप करते हैं तो रास्ते में सैंडविच या उनको कोई बर्गर खिलाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी ब्रेकफास्ट नहीं है, हेल्दी लंच नहीं है, हेल्दी डिनर नहीं है। एग्जैक्टली भाई, ये आप सिंपल डाइट प्लान को फॉलो करो, फिर जल्दी देखे, जल्दी सोने का हमारा कल्चर जब तक नहीं आएगा ना, हम जल्दी सोने वाला, तो हमारे बच्चे हम लोग आगे तरक्की की राह पे नहीं चल सकते, सबसे पहले सुस्त हो जाएंगे, हाँ सुस्त हो जाएंगे, टाइम से उठते हैं अभी भी, आप बुजुर्ग देखें जो हमारे वालिदैन हैं अभी भी टाइम से उठ जाते हैं, फजर पढ़ते हैं, टाइम से सो जाते हैं, ऐसे सो रहे होते हैं, फजर के बाद उनको बाहर जो नींद आती है, अपने काम खत्म करते हैं उस फजर के बाद उठ के वो सारे। हाँ, अब हमारा कल्चर ऐसा है कि हम इस कल्चर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए तो बहुत चैलेंज है, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इनकी हेल्थ के ऊपर, इनकी डाइट के ऊपर फोकस करें, इनको हेल्दी एक्टिविटी कराएं, इनको होमवर्क कराएं, तो आगे जाके ये एक बेनिफिशियल शहरी बन सकते हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे वालिदैन के लिए, मैसेज दे दें वालिदैन के लिए, पैगाम है कि बच्चों से बढ़ के, बच्चों की हेल्थ से बढ़ के दुनिया में आपके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, उसकी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करें। आवाम के लिए पैगाम है कि भाई मौसम बहुत गर्म है, ठंडा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस पिएं, फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश सालन खाएं, फ्रिज में ज़्यादा पड़ा हुआ चीज़ भी ना खाएं, ज़्यादा फ्रिज चीज़ें आज अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ से बड़ी चीज़ दुनिया में रिलीजन के बाद दूसरी जो कीमती चीज़ है वो सेहत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नजीब आपने हमें वक्त दिया, यकीनन नाज़रीन आपके पास आपकी जो अजीज़ चीज़ है वो आपकी सेहत ही है, तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जाने तो जहाँ हैं और इस सेहत का ख्याल रखना हम पे लाजिम है, और ज़्यादा बेहतर रहेगा आप खुश रहें, स्ट्रेस बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, कोई टेंशन ना लें, खुशियाँ बांटें, तो ज़िंदगी खूबसूरत होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।